पीएल पुनिया जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, तमराज साहू जी, गिरवर जंगेल जी, मोतीलाल जंगेल जी, संजय मोहबिया जी, भुवनेश्वर साहू जी, श्रीमती मीरा गुलाब चोपड़ा जी, तर्केश्वर खुसरो जी, रुक्मणी दीवान जी, पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के हमारे सब लोग, प्रेस के हमारे मित्रों, पीछे जो दीवार पे लोग खड़े हैं, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। पंद्रह साल से अब ठीक है, इतने लगा रखे हैं यहां पे। 15 साल से यहां पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, रमन सिंह जी की सरकार है। और उधर दिल्ली में 4.5 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आपको याद होगा, पहले प्रधानमंत्री जी आते थे, लंबे भाषण करते थे, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने की बात करते थे, याद है आपको? भूल गए? भूल गए? याद है ना? उसके बाद प्रधानमंत्री ने बोला, भाइयों और बहनों, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ और 2 करोड़ युवाओं को हर साल नरेंद्र मोदी रोजगार देगा। अब आपको हंसी आती है, मजाक सा लगता है। प्रधानमंत्री ने कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आएंगे, 15 पैसे तक नहीं आए। उल्टा कहा था आपसे, आपको 15 लाख देंगे, उल्टा आपको लाइन में खड़ा कर दिया। नोटबंदी की, बैंक के सामने आप सबको खड़ा कर दिया और आपके जेब में से पैसा निकाल दिया। पहली बार मैंने देखा देश का प्रधानमंत्री कहता है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, किसानों को सही दाम दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा, किसानों का कर्जा माफ करूंगा। चुनाव खत्म होता है, फिर कहता है भाई और बहनों झाड़ू उठाओ, सफाई करो, चलो सफाई करो, देश को सफाई करो, देश गंदा है, मैं जा रहा हूं लंदन, मैं लंदन जा रहा हूं, तुम लोग सफाई करो, झाड़ू लगाओ। सही बात है ना? अच्छा, अब यहां आए हैं, बस्तर में आए हैं, दौरा कर रहे हैं, कह रहे हैं नक्सलवाद की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पहले आते थे रोजगार की बात करते थे, अब रोजगार की बात नहीं करते, किसानों को सही दाम देने की बात करते थे, अब सही दाम देने की बात नहीं करते, किसानों को कर्जा माफ की बात करते थे, अब कर्जे माफ की बात नहीं करते। अच्छा, पहले कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जहां भी जाते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, अब भ्रष्टाचार शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। आपने नोट किया? अब नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलता, पता है क्यों? क्योंकि चौकीदार अब पूरे देश को मालूम है कि चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए की चोरी करा दी। हुआ क्या? हिंदुस्तान की वायुसेना को 126 हवाई जहाज की जरूरत थी। यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार ने कहा फ्रांस की एक कंपनी से हवाई जहाज खरीदना है, हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी है, उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाएगी, और 526 करोड़ के लिए एक हवाई जहाज खरीदा जाएगा।
मोदी जी आते हैं, फ्रांस जाते हैं, फ्रांस में जाके कहते हैं कि 126 हवाई जहाज नहीं खरीदेंगे, 36 हवाई जहाज खरीदेंगे और 526 करोड़ प्रति हवाई जहाज के लिए नहीं देंगे, 1600 करोड़ रुपए देंगे। मतलब 3 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी ने राफेल हवाई जहाज के लिए फ्रांस की कंपनी को दिया। अब आप पूछो क्यों दिया, मैं आपको बताता हूं। एचएएल 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, सरकारी कंपनी है, अलग अलग हवाई जहाज बनाए हैं, एक रुपया का कर्जा नहीं उन पर। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, 30,000 करोड़ रुपए का फायदा अनिल अंबानी को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने दिया। किसका पैसा था भाइयों और बहनों? किसानों का पैसा था, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का। आप याद रखो, आप लाइन में खड़े हुए, आप खड़े थे, लाल शर्ट जो पहने थे आप खड़े थे, क्या नाम है आपका? हां आपका, जो काले चश्मे जो पहने, मान सिंह जी, आप खड़े थे लाइन में। मान सिंह जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, नोटबंदी वाली लाइन में आपने किसी अमीर व्यक्ति को देखा? आपने अनिल अंबानी को देखा? आपने मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या को देखा? तो प्रधानमंत्री कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है। मानसिंह जी मुझे एक बात समझा दीजिए, अगर काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो लाइन में काले धन वाले क्यों नहीं दिखाई दिए? मैंने देखा लाइन में हिंदुस्तान के सब गरीब ईमानदार लोग खड़े थे, किसान खड़ा था, छोटा दुकानदार, ये हमारी माताएं बहने खड़ी थी, मानसिंह जी भी खड़े थे वहां पे काले चश्मे लिए, मगर अनिल अंबानी नहीं खड़ा था, मेहुल चौकसी नहीं खड़ा था, नीरव मोदी नहीं खड़ा था। अच्छा रमन सिंह जी खड़े थे? भैया देखो, रमन सिंह जी लाइन में नहीं खड़े हुए, उनके पास एक भी रुपया नहीं था बदलने का। हाँ बात समझ आई? रमन सिंह जी लाइन में नहीं थे, पूरा छत्तीसगढ़ लाइन में था। आपको मालूम है क्यों नहीं थे? मैं बताता हूं। आपने चिट फंड स्कैम का नाम सुना है? सुना है? 5,000 करोड़ रुपए जनता से उन्होंने लिए, अलग अलग चिट फंड वाली कंपनियां आई, थोड़ी देर बाद बंद हो गई, आपका 5,000 करोड़ रुपए गायब हो गया। कोई इंक्वायरी हुई? कोई जेल गया? ना। पीडीएस स्कैम हुआ, नान स्कैम हुआ, छत्तीस हजार करोड़ रुपए चोरी हुए, एक डायरी निकली, डायरी निकली थी ना। मैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, उस डायरी में लिखा था सीएम मैडम को पैसा दिया, ये सीएम मैडम कौन है? ये कौन है ये सीएम मैडम? उसमें यह भी लिखा था, डायरी में यह भी लिखा था कि डॉक्टर साहब को पैसा दिया, ये कौन है डॉक्टर साहब? रमन सिंह जी बता दें हमें। हजारों करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की जनता का रमन सिंह जी ने भ्रष्टाचार में लिया है। पाकिस्तान में उनका प्रधानमंत्री जेल गया, आप जानते हो, पाकिस्तान को जानते हो, पाकिस्तान में उनका प्रधानमंत्री जेल गया क्योंकि उसका पैनामा पेपर्स में नाम निकला। भैया इसको बाद में करना, शाबाश।
पैनामा पेपर्स का प्रधान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम निकला, वो जेल चला गया पाकिस्तान में, मगर रमन सिंह के बेटे का नाम पैनामा पेपर्स में निकला, वो जेल नहीं गया। और मोदी जी आते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं रमन सिंह जी के साथ, मगर आजकल नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की एक बात नहीं कर सकते। अच्छा, यहां के देखिए, चौकीदार, ये आप याद रखिए, चौकीदार चोर है, पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगाया, आपके जेब में से पैसा निकाला, और नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी 30,000 करोड़ रुपए, ललित मोदी, इन सब लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा दिलवाया है। मैं सब मीटिंग में कहता हूं, छत्तीसगढ़ गरीब नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता गरीब है, मगर छत्तीसगढ़ गरीब नहीं है, छत्तीसगढ़ के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बोला था मोदी जी ने, स्वयं बोला, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, किसानों को बोनस दूंगा, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, किसानों को सही दाम दिलवा दूंगा, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, किसानों की रक्षा करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धान पे आपको क्या एमएसपी मिलती है? क्या वायदा किया था? वायदा क्या किया था? 2100 मिलता है? नहीं। चने पे क्या एमएसपी का वायदा किया था? 4400 मिलता है? नहीं। तो मैं आपको बताता हूं, मोदी जी आए, रमन सिंह जी आए, वायदे करते हैं 15 लाख सही दाम, ये वो, वायदे नहीं पूरे किए। अब आप मेरी बात सुनिए, पंजाब में चुनाव हुआ, ऐसी ही मीटिंग में मैंने कहा, देखिए पंजाब में कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो किसान का कर्जा माफ होगा। फिर मैं कर्नाटक गया, कर्नाटक में चुनाव था, मैंने वहां भी कहा, देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, किसानों का कर्जा माफ होगा। अब आप पंजाब में किसी को जानते हो फोन लगाओ, कर्नाटक में किसी को जानते हो फोन लगाओ, उनसे पूछो, राहुल गांधी आया था, राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया, ये सच है या झूठ है? आप जाके पूछना, आपको सवाल जवाब मिल जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, और कुछ हो जाए, अगर नरेंद्र मोदी 15 लोगों का 4 साल में 3,50,000 करोड़ रुपए माफ कर सकता है, अगर वो देश के सबसे अमीर 15 लोगों को 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दे सकता है, तो नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के किसान का भी कर्जा माफ करना चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी ये काम नहीं करना चाहता, अगर रमन सिंह ये काम नहीं करना चाहता, तो फिर ये काम कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। तो छत्तीसगढ़ के किसानों, आप अच्छी तरह सुनो, चुनाव के बाद आप 10 दिन गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
और 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ करके दे देगा। और सुनिए, अभी मैंने खत्म नहीं किया है। चावल का उन्होंने 2100 रुपए का की एमएसपी कही थी, वो आपको 2100 रुपए भी नहीं देते हैं। मैं आपको स्टेट से कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के किसानों, धान की एमएसपी 2500 रुपए आपको मिलेगी। अच्छा, अभी मैं खत्म नहीं किया, अभी किसानों के लिए और बोल रहा हूं, अभी आप सुनिए। आपको बोनस मिलता था, बोनस रमन सिंह ने और मोदी जी ने आपसे छीना, सही बात है, अब नहीं मिलता। अब देखिए, वो खोखले वायदे करते हैं, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपको कांग्रेस पार्टी की सरकार बोनस भी देना शुरू कर देगी। और वहां नहीं रुकता, उससे भी आगे जाता हूं और कहता हूं कि जो काम रमन सिंह को करना था, 2 साल जो रमन सिंह ने आपको बोनस नहीं दिया, पिछले 2 साल का, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार आपको देगी, उनका भी काम करेंगे हम। अगर वो अपने वायदे नहीं पूरे करते तो हम उनके वायदे उनके लिए पूरे करेंगे। अब आई बात रोजगार की, युवाओं को रोजगार चाहिए और किसानों को सही दाम चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपके खेतों के बिल्कुल पास फूड प्रोसेसिंग प्लांट, फ्रूट प्रोसेसिंग का कारखाना लगा देगी। क्या फायदा होगा? आज किसान को सही दाम नहीं मिलता, आप दिन भर काम करते हो, 4 बजे उठते हो, अपना खून पसीना लगाते हो, पूरा परिवार काम करता है, बारिश होती है, ओला गिरता है, आंधी आती है, किसान आपको खेत में दिखाई देगा। फिर आप, अभी करता हूं, जीएसटी में भी बोलूंगा, फिर आप अपना माल ले जाते हो और जब आप बेचने की कोशिश करते हो आपको सही दाम नहीं मिलता, आपको घूमना पड़ता है, आगे पीछे जाना पड़ता है, और अंत में जो आपकी मेहनत की कमाई है वो आपको मिलती नहीं। तो हम आपके खेत के बिल्कुल पास फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगा देंगे, आप जाकर सीधा चाहे वो धान हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, आप जाके सीधा उसको फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में जाके बेचिए और आपको फैक्ट्री से ही सही दाम मिलेगा, आपको वहां रुकना नहीं पड़ेगा। और उसी फैक्ट्री में किसान के बेटे, किसान की बेटियां रोजगार पाएंगी और लाखों युवाओं को छत्तीसगढ़ में हम रोजगार देंगे। रोजगार की थोड़ी और बात करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 60,000, रमन सिंह जी आते हैं कहते हैं रोजगार दिलवाएंगे, मोदी जी आते हैं, अब तो मोदी जी रोजगार की बात नहीं करते, भ्रष्टाचार की नहीं करते, तो 60,000, तकरीबन 60,000 सरकारी टीचर के पोस्ट खाली पड़े हैं, तकरीबन 13,000 लेक्चरर के पोस्ट खाली पड़े हैं, 2,000 स्कूल ऐसे हैं जिन पे बस एक टीचर है, और 3,000 आदिवासियों के स्कूल बंद कर दिए हैं। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो काम रमन सिंह 15 साल में नहीं कर पाया,
उस काम को कांग्रेस पार्टी करके दिखा देगी, सरकारी पोस्ट को हम भर के दिखा देंगे। और ये जो इनका आउटसोर्सिंग का सिस्टम है, ये जो सब आउटसोर्स करके ये आपसे रोजगार छीनते हैं, ये आउटसोर्सिंग की पॉलिसी भी कांग्रेस पार्टी बंद कर देगी। थोड़ा मैं आदिवासियों के बारे में बोलना चाहता हूं। आदिवासियों के लिए यूपीए सरकार आदिवासी बिल लाई थी, पेशा कानून लाई थी, और हमारी कोशिश थी आपका जल, आपकी जमीन और आपका जंगल का फायदा आपको मिले। आदिवासी बिल का लक्ष्य था कि आदिवासियों को उनकी जमीन दी जाए। और जमीन अधिकरण बिल जो हम लाए थे 2013 में, उसका लक्ष्य था कि किसानों को अपनी जमीन की रक्षा हो। ना किसान से ना आदिवासी से जमीन छीनी जाए, मगर रमन सिंह जी ने और मोदी जी ने मिलकर इन सब बिल को रद्द किया है। तो आज छत्तीसगढ़ में किसानों से आदिवासियों से एक मिनट में उनकी जमीन छीन ली जाती है। तो जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम चाहे वो आदिवासी बिल हो, चाहे वो पैसा कानून हो, चाहे वो जमीनी अधिकरण बिल हो, उन सबको हम छत्तीसगढ़ में लागू करके आपकी जमीन की रक्षा करके दिखाएंगे। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है। हम गरीबों की पार्टी हैं, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, छोटे दुकानदारों की, मजदूरों की, किसानों की, हम सबको लेकर चलते हैं। हम समाज को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। और मेरी सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच है कि जो छत्तीसगढ़ का धन है, जो आपका धन है, उसका प्रयोग आपके लिए किया जाए। मोदी जी ने, रमन सिंह जी ने पूरा का पूरा फायदा 15-20 लोगों को किया है। दो हिंदुस्तान बना रहे हैं, एक हिंदुस्तान प्राइवेट हवाई जहाज वाला, बड़े बड़े उद्योगपतियों वाला, अरबपतियों वाला, और दूसरा हिंदुस्तान गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का। हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान का एक झंडा है और एक ही हिंदुस्तान होगा, उसमें सब लोगों को फायदा मिलेगा और सब लोगों के लिए जगह होगी। और जो आपने जीएसटी की बात की, ये जीएसटी नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स लागू किया है इन लोगों ने। और इस टैक्स का लक्ष्य छोटे दुकानदारों से, गरीब लोगों से पैसे छीनने का है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम गब्बर सिंह टैक्स को बदलेंगे और आपको एक सच्ची जीएसटी देंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, और ये जो आपको हर रोज तंग करते हैं लोग, इससे हम आपको बचाएंगे। और ये मैं छोटे दुकानदारों को कहना चाहता हूं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाते हैं, उनसे कहना चाहता हूं, जितना नुकसान आपका नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी से और गब्बर सिंह टैक्स से किया है, शायद उतना नुकसान हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने नहीं किया हो। और लक्ष्य आपसे पैसे छीनने का है। आप सबको मैं कहना चाहता हूं, नोटबंदी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। 2 साल हो गए, प्रधानमंत्री आए, भाषण दिया, नोटबंदी की बात की इस बार नहीं की ना। पहले कहते थे काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ लड़ाई, इस बार आए एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि प्रधानमंत्री जी समझ गए कि जनता को बात समझ आ गई है। प्रधानमंत्री समझ गए कि अगर मैंने नोटबंदी की बात कर दी गलती से, जनता मुझे स्टेज से भगा देगी। इसीलिए अब मिलकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहता हूं, मिलकर लड़िए, एक साथ लड़िए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए, और छत्तीसगढ़ में जनता की, गरीबों की, कमजोर लोगों की सरकार लाइए।
आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।